हाय गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। दिस इज अ बुक रिव्यू नंबर 6 और आज हम बात करेंगे माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद की ऑटोबायोग्राफी। आई कांट इवन बिगिन टू मेंशन कि ये बुक मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज आई लव चेस एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ विश्वनाथन आनंद एंड वॉट ही हैज डन इन द चेस सीन एंड हैड अ रेवोल्यूशन। लाइक वो सिंगल पर्सन, देवर नो ग्रैंड मास्टर्स इन इंडिया, ही केम इन टू द सीन। नाउ देर आर 69 ग्रैंड मास्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हाउ डिड दिस इवन हैपन, राइट? दैट्स व्हाट द बुक इज अबाउट, हाउ ही वेंट ऑन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस बुक बिकॉज देर आर टू जस्ट टू मैनी। द बुक इज रिटन इन अ वे दैट वो इंसिडेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ स्टोरी, राइट? सो आई कांट गिव यू द इंसिडेंट्स बट आई जस्ट कैन गिव यू अ आउटलाइन ऑफ इट, राइट? सो बाय द वे, दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाय वन ऑफ माई कजन्स एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही डिड बिकॉज आई लव दिस बुक। एनी वेज, दिस अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु नेम्ड Mayiladuthurai. Mayiladuthurai. That's the name of the town. I've never heard of the town. And Vishwanathan Anand was born there. His father was a retired manager at railways. And his mother was a social reformer and a chess enthusiast. So that's where he got his, you know, that's where he began to create a bond with chess. What happened was, वो जाता था टेनिस क्लास के लिए सुबह सुबह एंड ही यूज टू फाइंड इट वेरी ऑफुल, वेरी बैड, राइट? ही डजंट वॉन्ट टू गेट अप एट 6 एंड गो टू रन एंड ऑल। ही जस्ट वॉन्ट, ही इज अ किड, ही वॉन्ट्स टू जस्ट स्टे एट होम, गेट एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ स्लीप, मे बी डू समथिंग एट होम इटसेल्फ। देन ही वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू चेस क्लासेस एंड ही बिगैन डूइंग रियली गुड। There was a chess club named Tal's Chess Club. I'm not sure what was the name, but he joined that club and in some time he started beating people there and he used to play with his mother and he very soon began to beat his mother at this game too. And his parents began to realize that he has some potential, you know. So every weekend he used to go to the club and there was this thing, okay? दो लोग मैच खेलेंगे, ब्लिट्स, 3 minutes मैच, एंड द पर्सन हु लूजेस गोज टू द बैक ऑफ द क्यू और जो जीतता है वो बैठा रहेगा, वो खेलता रहेगा। एंड दैट इज द वे विश्वनाथन आनंद यूज़ टू ट्रेन, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में बहुत ही ब्रिलियंट था। एंड उसके टाइम पे टीवी पे एक चेस का शो भी आता था एंड दैट शो अनफॉर्चुनेटली तब आता था जब उसकी स्कूल होती थी। तो वॉट यूज टू हैपन इज कि वो स्कूल जाता था एंड हिज मदर यूज टू मेक नोट्स फॉर हिम, मतलब जो भी पजल्स दे रहे हैं, जो भी कुछ जो भी हो रहा है वो लिख लेती थी पीस ऑफ पेपर में। एंड एंड ऑफ द शो में एक पजल दिया जाता था कि इस पजल को सॉल्व करो और हमें पोस्ट करो उसका आंसर, एंड इफ यू आर लकी यू विल गेट समथिंग रिलेटेड टू चेस, यू नो, गुडीज और बुक्स और मे बी एनीथिंग। So Vishwanathan Anand and his mother used to solve them every weekend, no, every day, whatever the schedule of the program was, and they used to send it. It turns out Vishwanathan Anand was among the only like few kids who used to, few people in India who used to send them answers to. But Vishwanathan Anand was annoying because he sent, मतलब puzzle के answer तो हर बार भेजता था वो, but he also sent them कि what could have been a better move there, मतलब वो बता रहे हैं but Vishwanathan was like नहीं यहाँ पे ये वाला move शायद better है। तो they were getting annoyed and this wasn't once twice, मतलब महीने and years तक चलता था। so Vishwanathan Anand को उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया और बोला कि जितने चेस के बुक्स दिख रहे हैं जितने मर्जी चाहे तुम ले जाओ, but the deal is कि आप हमको और पोस्ट नहीं भेजोगे यार, हम वैसे ही अनॉय हो रहे हैं।
दैट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम बिकॉज ही बेरली हैड एनी स्टडी मटीरियल फॉर चेस राइट. अब उसके पास बुक्स ही बुक्स हैं. ही हैड कैपाब्लांकास बुक, मतलब वो कैसे खेलता था. दैट कैपाब्लांका इज अ फॉर्मर, मतलब 1917 के टाइम पे वर्ल्ड चैम्पियन था. तो उसके गेम्स, गैरी कास्परोव के गेम्स और बहुत तरह तरह की बुक्स आ गई एंड दैट वॉज जस्ट टू गुड फॉर हिम. एंड दैट किड विश्वनाथन आनंद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ टाइम वेंट ऑन टू बिकम वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन. ही वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर. इंडिया ओनली हैड एन इंटरनेशनल मास्टर बैक देन. हिज नेम वॉज मैनुअल एरन. हिज नेम वॉज एरन. आई डोंट रिमेम्बर वॉट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिज नेम वॉज. तो वो was the only international master back then. International master is a slightly below title to grand master. Okay, India mein ek hi tha. And now Vishwanathan Anand became the first grand master. And then he became a prominent scene. Like you know. बाहर के लोग देखने लगे, अच्छा इंडिया से एक ये लड़का आता है खेलने, चलो इसको हर एक टूर्नामेंट में बुलाते हैं, मजा आएगा देखने में क्या कैसा है ये. तो उसको बुलाया जाता था, विश्वनाथन आनंद सबको हराता था. नहीं नॉट लाइक सबको, बट ही यूज्ड टू बी वेरी गुड. डोमिनेट होता था, डोमिनेट करता था. एंड ही हैज बीटन गैरी कास्परोव, कारपोव, कैम्स्की, आई डोंट नो मैन, जो भी उस टाइम के जो ग्रेट्स थे सबको विश्वनाथन ने हराया है. ही हैड बीन वर्ल्ड चैम्पियन जस्ट बिकॉज गैरी कास्परोव ने एक बार ऐसे कुछ रिजाइन किया था तो एक मोमेंट के लिए तब बना था. बट गैरी कास्परोव से वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच हार गया था. एंड देन लेटर ऑन इन लाइफ बाद में क्रैमनिक ने द माइटी कैस्परोव को डेथ्रोन किया था. एंड देन एलेक्सी शेरोफ ने क्रैमनिक को हराया था. एंड विश्वनाथन आनंद ने एलेक्सी शेरोफ को हराया, वर्ल्ड चैंपियन बना. क्रैमनिक ने उसको चैलेंज करा, जीता नहीं, क्रैमनिक मतलब चैलेंज किया बट विश्वनाथन आनंद जीता 2008 में. 2007 में बन गया था विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियन. देन टोपलोव के अगेंस्ट 2010 में, देन बोरिस गेलफेंड के अगेंस्ट 2012 में, एंड 2013 में मैग्नस कार्लसन से हार गया. बट उस पॉइंट पे भी एक इंस्पिरेशनल चीज हुई कि ही बिगेन लूजिंग ऑल हिज गेम्स. लाइक उस मैग्नस कार्लसन के खेलने से पहले विश्वनाथन आनंद ने 2 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं जीता था. ही वॉज परफॉर्मिंग टेरेबली, लक वॉजंट ऑन हिज वे, मतलब वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करके हार ही रहा था गेम्स ज्यादा से ज्यादा. एंड उसको फीलिंग था कि जो भी आएगा मुझे अब नेक्स्ट टाइम तो मोस्टली हरा ही देगा. बीट लेवन और ओनियन और बीट मैग्नस कार्लसन, बीट क्रैमनिक, एनीवन. बट ही बाउंस बैक. जैसे ही वो अपना वर्ल्ड चैंपियन वाला टाइटल हारा, ही बिगैन प्लेइंग विदाउट फियर ऑफ लूजिंग हिज टाइटल. यू नो ही डजंट हैव द टाइटल एनी मोर. तो ही बिगैन विनिंग टूर्नामेंट्स वन आफ्टर दी अदर आफ्टर दी अदर. एंड फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, विच मेक्स अ पर्सन क्वालिफाइड टू चैलेंज अ वर्ल्ड चैंपियन, विच इज मैग्नस कार्लसन नाउ, वो वाले कैंडिडेट्स को भी उसने सिंगल हैंडेड डोमिनेट किया. लाइक ही वॉज अ पॉइंट अबव एवरीवन एल्स. इवन दो ही लॉस्ट टू मैग्नस कार्लसन एंड मैग्नस कार्लसन इज ट्रूली अ लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट टू, बट द पॉइंट बींग इज विश्वनाथन आनंद इज कॉल्ड अ टाइगर ऑफ मद्रास फॉर अ रीजन. ही हैज मेड द कंट्री प्राउड. ही हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड द कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इन दिस चेस वर्ल्ड. एंड आफ्टर हिम द इंफ्लुएंस दैट ही हैड ऑन द गेम वॉज सो मच दैट यू नो एवरीबडी वॉन्टेड टू प्ले चेस नाउ. लाइक चेस धीरे धीरे एक ट्रेंडी थिंग बन गया था. एंड वन आफ्टर द अदर देयर वर मेनी टूर्नामेंट्स वो जो इंडिया में होने लगे एंड इंडियन ग्रैंड मास्टर आने लगे. एज आई सेड देयर आर 69 ग्रैंड मास्टर्स. सो बेसिकली ही सिंगल हैंडेडली चेंज द एंटायर स्पोर्ट फॉर अ कंट्री.
I don't even. It's like Kapil Dev for cricket. If you don't know what influence Kapil Dev had on cricket, do watch 83 movie in the theater, not at home. Watch it in the theater. It's a great movie. And how Kapil Dev single-handedly changed the entire cricket scene in India. That's how Vishwanathan Anand even more single-handedly changed the chess scene in India. And the best part is, like, at the age of 50 plus now, he's like kind of plays sometimes, sometimes he doesn't play, because the chess player nowadays are too sharp, right? They are computers, and Vishwanathan Anand ke time mein computers nahi the, so players are now very sharp. But he still plays, and abhi abhi ek aur tournament hua, I don't remember the name of the tournament. Us wale tournament mein he finished second out of the 25 top grandmasters of the world, which is crazy, because at that age mind उतना शार्पली वर्क नहीं करता है. एंड इट्स जस्ट फैसिनेटिंग दैट ही इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग द ओल्ड डॉग्स ऑफ द स्पोर्ट. एंड दिस बुक इज ट्रूली अमेजिंग यार. मतलब इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन चेस एंड वांट्स टू नो अबाउट अ ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी, राइट, आई इवन फील दैट विश्वनाथन आनंद को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए उसको, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन टू एवर लिव इन इंडिया, एंड दैट गोज विदाउट अ डाउट. वी रिस्पेक्ट हिम. दैट इज द एंड ऑफ द एपिसोड. एंड जो भी ये सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट यू. थैंक्स फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय. थैंक यू. बाय.